नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं तनुप्रिया। आरजेडी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। बता दूं कि नागरिकता संशोधित कानून और साथ ही साथ एनआरसी को लेकर आरजेडी ने बिहार बंद का आह्वान किया है और तस्वीरें आपको डाक बंगला चौराहा की दिखाएंगे, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद थे। वहां पर हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि कार्यकर्ता और लोगों का जनसैलाब वहां पर देखने को मिला, जहां पर हजारों की संख्या में डाक बंगला चौराहा पर कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी करते हुए नजर आए और तस्वीरें आपको डाक बंगला चौराहा की दिखाएंगे। बता दूं कि आरजेडी ने एनआरसी और सीएए को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया है और इस बंद का असर व्यापक तौर पर पूरे जगह पर देखने को मिल रहा है, न ही सिर्फ राजधानी पटना में, बिहार के कई जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। कई जगह एनएच को भी बंद कर दिया गया है, कहें तो आवाजाही जो है पूरी तरीके से बाधित है। वहीं कई ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। जिस तरीके से जो आरजेडी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि आरजेडी का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और बंद का आह्वान किया है, लेकिन कई जगहों पर गाड़ी में तोड़फोड़ भी की जा रही है। साथ ही साथ कई ट्रेन को भी रोका गया है, जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया है और एनएच पर जो बसें चलती हैं उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। बस स्टैंड में भी वही हालात है। बता दूं कि नागरिकता संशोधित कानून को लेकर 19 दिसंबर को भी बिहार बंद का आह्वान किया गया था और आज 21 दिसंबर को आरजेडी ने बिहार बंद का आह्वान किया है। डाक बंगला चौराहा पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे और हजारों की संख्या में कहे तो वहां पर मौजूद थे कार्यकर्ता, उनके समर्थन कर रहे थे बंद का आह्वान के दौरान। हालांकि डाक बंगला चौराहा पर सुरक्षा बल की पुलिस भी तैनात थे। सुरक्षा को देखते हुए हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है, साथ ही साथ प्रदर्शनकारी भी वहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों की बात करें तो हिंसक भीड़ प्रदर्शनकारियों ने कई उग्र प्रदर्शन भी किए थे और हंगामे भी किए गए थे, इसको लेकर के भी पुलिस बल वहां तैनात है। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए अजय भारत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।